नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ हैं बहुत अच्छे राइटर और बुद्ध की चर्चाओं को करने वाले भंडारी साहब, सीएस भंडारी साहब। भंडारी साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं एसएम न्यूज़ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो समय पर बुद्धिस्टों की और शोषित वर्ग की बहुजनों की आवाज़ को उठाते रहते हैं, जो इनका प्रभाव ऑल इंडिया के सभी देश पर पड़ता है। अभी पिछले दिनों एक हमारा वर्कशॉप हुआ था और ऑल इंडिया से कम मेरे पर 1000 फ़ोन आए थे और कम से कम 70-80 फ़ोन तक केवल महाराष्ट्र आए थे। बहुत बढ़िया, तो काफ़ी लोग आए हैं। तो मैं इनका पुनः ऐसे न्यूज़ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और इनको धन्यवाद भी देता हूँ। थैंक यू भंडारी साहब। अभी जो बाबा रामदेव हैं, उन्होंने बहुजनों के ऊपर बहुत खतरनाक प्रहार करा है और आप बुद्ध की और बहुजन मूवमेंट की बातों को बढ़ चढ़ कर बताते हैं, तो मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप। देखिए, जिन लोगों को अपने हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में पता नहीं होता जी, वो दूसरों के गुलाम होते हैं। जिनमें से जो रामदेव है वो भी एक गुलाम है जी। अगर रामदेव गुलाम ना हो तो ये ब्राह्मणवाद की तारीफ ना करें। रामदेव को ये भी पता नहीं है कि जब तू छोटा सा था, तेरे माँ बाप थे और तेरे माँ बाप के साथ में क्या अत्याचार ये लोग करते थे। जब चौथा वर्ण ब्राह्मण वर्ग है, पहला वर्ण है, फिर क्षत्रिय वर्ण है, तीसरा जो हमारा वैश्य वर्ण है जिसे हम वो कहते हैं, तीसरा वर्ण कहते हैं, और चौथे वर्ण में हम सारे लोग आते हैं, तो उस बेवकूफ़ को इतना तमीज़ होना चाहिए कि तू भी चौथे वर्ण में है और चौथे वर्ण का आदमी अपने भाई को गाली दे, तो मैं उससे ज़्यादा बेवकूफ़ और मैं उससे ज़्यादा कोई नालायक नहीं समझता। अभी पिछले दिनों आपको मालूम है, कांग्रेस के ज़माने में जब इसको इसका जो हालात थे बहुत ज़्यादा ख़राब थे और डर की वजह से ये सूट सलवार पहन करके वहाँ से आंदोलन से निकला था, तो इसको शर्म आनी चाहिए और इसको इतना इतिहास का ज्ञान होना चाहिए कि जितने भी स्वर्णवादी लोग हैं, तुम स्वर्ण नहीं हो, तुम यादव कास्ट से हो और यादव जाति जो है वो सदैव बहुजनों में आती है। भाई, ये ज़रूरी है कि बहुजनों में भी दो वर्ग हैं, दो वर्ग बन गए हैं, जो जो कहते हैं हम छूत और अछूत वर्ग, दो वर्ग हमारे बन गए थे, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि वो भी बहुजन ही है। और मैं तो बार बार यही कहूँगा और इसके प्रति हम क्रियात्मक कार्य भी करेंगे, कोशिश भी करते हैं, हम इसके खिलाफ हमने कोशिश भी की है और आगे भी करते रहेंगे कि ये ऐसे शब्द ना बोलें। और इसको मैं तथागत से ये अनुरोध करता हूँ, इनको सद्बुद्धि दे इसको बेवकूफ़ को कि ये अपने बहुजनों की आलोचना ना करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।